हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रह सोनाली। दोस्तों, आज मैं आपके साथ हिबिस्कस शैम्पू को बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हिबिस्कस का इस्तेमाल बहुत सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने में किया जाता है और हिबिस्कस बालों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग रेमेडी का काम करता है। यह बालों से डैंड्रफ दूर करता है, साथ ही साथ ये बालों को लंबा, काला और घना बनाने में बहुत हेल्प करता है। हिबिस्कस फ्लावर की पत्तियाँ ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम को दूर करके बालों को कंडीशनर करता है। इसमें नेचुरल मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे बाल लंबे, घने और मजबूत बनते हैं। और मेथी दाना यानी फेनोग्रीक सीड्स बालों को शाइनी बनाता है। यह बालों का झड़ना रोककर गंजेपन की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। यह बालों का मॉइस्चराइज को लॉक करके उन्हें ग्लोइंग और शाइनी बनाने में बहुत हेल्प करता है। और ऑलिव ऑयल आपके बालों की जड़ों को मजबूत करके उन्हें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। तो आइए अब जानते हैं इस हिबिस्कस होममेड शैम्पू को बनाना किस प्रकार से है। 10 से 15 हिबिस्कस प्लांट की ग्रीन पत्तियां, इनको मिक्सी में बारीक पीसकर इसका पतला पेस्ट तैयार कर लें और 8 से 10 हिबिस्कस फ्लावर को भी पीसकर मिक्सी में इनका पेस्ट तैयार कर लें और 5 से 6 चम्मच दाना मेथी को रात भर भिगो दें। सुबह इनका पानी निकालकर मिक्सी में इन्हें पीसकर इनका भी बारीक पेस्ट तैयार कर लें। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक कांच के बाउल में मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल भी ऐड करके इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इस पैक को अपने बालों की रूट से लेकर बालों के टिप तक पूरी तरह से लगाकर अपने बालों को कवर कर लें और इसे 15 से 20 मिनट तक अपने बालों में लगा रहने दें और 15 से 20 मिनट के बाद अपने बालों को हल्के गुनगुने पानी से धोकर साफ कर लें। इस होममेड शैम्पू को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो नीचे थम्सअप के बटन पर क्लिक करके इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। एक नई और रोचक जानकारी लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।